नहीं, क्या मामा उम्मीद से हैं? ये इस साइज के कपड़े किसके हैं? दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई आने वाला है। हाँ जी, बेबीज तो हमेशा अच्छे ही लगते हैं। लड़की हो या लड़का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये कि मेरे बच्चे उसे कबूल कर ले। मुझे लगता है कि पोलिना को तो पसंद आएगा, सरजी तो एक लड़का है। क्या मामा एक्सपेक्ट कर रही हैं क्या? मेरा आज का दिन बहुत बुरा गया। मैं तुम्हारे दिन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं बहुत थक चुकी हूँ। बेबी सारा दिन रोया है और मुझे इसे उठाना पड़ा है। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। प्लीज मुझे एक सैंडविच बना दोगे? और मैं तो अपने लिए बनाने लगा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने लिए खाना बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ओ, ये क्या है? मामा, ये मेरे पाँव पे क्या लग गया? ओहो, ओ ये तो बेबी ने उल्टी कर दी थी। दूर रहो उससे। मामा साफ करें। क्या, मैं ये काम नहीं कर सकती? बेबी अभी तो सोया है। मुझे तो लग रहा है जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बेबी के आने के बाद मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। ये छोटे बेबी के आने के बाद मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? लेकिन क्या करूं? हाँ, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सविता, मुबारक देने के लिए शुक्रिया। लेकिन अभी तो इतनी देर भी नहीं हुई, तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो। हाँ हाँ, मुबारक वाली बात तो है, मगर मुझे लगता है कि बच्चे भी बहुत खुश होंगे। मामा तो फोन पर ही लगी रहती हैं हमेशा। श्वेता, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। शर्जी स्कूल से आ गया। ओके ओके ओके, बाय बाय। कैसे हो बेटा? जैसा पहले था। क्यों, स्कूल में कोई मसला हुआ क्या? स्कूल में कोई मसला नहीं है, मसला तो घर पे है। मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत मजे का खाना बनाया। ये लो। अरे ये क्या पकाया हुआ है? ये मछली है हरे एग प्लांट के साथ, खा के देखो। मुझे तो ये मछली नहीं लग रही, कोई नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मल का क्या मतलब है? मतलब ये खाने लायक नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है कोई सादी सी चीज है। तुम्हें पता है कि हम सबको हेल्दी फूड खानी चाहिए। मछली और एग प्लांट, ये और बहुत सी चीजों से बेहतर है। चलो मेरा बेटा, चुप करके खा लो और कोई बहाना मत बनाना। लो पूछ लो, क्या खाने के लिए दे दिया मुझे? हाँ, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे।
दिया मुझे। ये समुद्री झींगे हैं और ये कच्चे अंडे। अब हम कच्ची चीजें खाया करेंगे क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होती हैं और बेबी के लिए भी बहुत अच्छी हैं। खा लो इसे, तुम ताकतवर हो जाओगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कच्ची चीजें कैसे खाऊं। ओह, ये तो छोटे बच्चे के कपड़े हैं। इसका मतलब मेरा शक ठीक निकला। मतलब ये कि मेरा छोटा भाई आने वाला है। चंदा है तू, मेरा तारा है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। मामा, मुझे भूख लगी है। बेबी सो रहा है। मामा, मुझे भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं पकाया, इसलिए फ्रिज में देख लो क्या पड़ा है। ओके, ठीक है। मामा, अब ये क्या है? ये मेरे प्यारे मुन्ने की तस्वीरें हैं। प्यारे मुन्ने की, मेरे प्यारे मुन्ने की। मगर यहाँ तो मेरी तस्वीरें थीं। चिल्लाओ मत, बेबी उठ जाएगा। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, बेबी उठ जाएगा। अब तुम्हें सुकून है बेबी को उठा के। शेर जी, क्या हुआ? मुझे कोई छोटा बहन भाई नहीं चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? आप फोन पर बेबी के बारे में बात कर रही थी। क्या हमारे घर कोई बेबी आने वाला है? बताएं मुझे जल्दी से। क्या तुम बड़ों की बातें छुप छुप कर सुनते हो? आप पहले ही मुझे इतना हेल्दी खाना खिला रही हैं। तो क्या हुआ, ये तो बहुत हेल्दी होता है। और ये छोटे कपड़े, ये किसके हैं? बेबीज के नहीं है क्या? तुम्हारे साथ क्या मसला है? ये तुम्हारा सूट है। मैं तुम्हें एक छोटा जानवर खरीद कर देना चाहती थी, छोटा बेबी जानवर। क्या वाकई आप मुझे खरीद कर देना चाहती थी? लेकिन कौन सा जानवर, कौन सा बेबी पेट? ये तो तुम्हें और तुम्हारे फैंस को जल्दी पता चल जाएगा। जाओ खाना खा लो और अपना सबक याद कर लो। ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी भी समझ नहीं आया कि मेरा छोटा भाई आ रहा है या नहीं। ये क्या बात हुई?